नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA, ये वो शख्स है जो पिछले कई सालों में या फिर दो दशक से बहुत प्रमुखता से नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज में इनको देखा जाने लगा। दरअसल NSA होते कौन है या NSA है क्या, जानना बहुत जरूरी है क्योंकि भारत की समय की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या फिर हर डिसीजन को लेकर सारी निगाहें या सारी सुइयां इन्हीं की तरफ घूमती हैं। NSA के पोस्ट का क्रिएशन करीबन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान किया गया और मकसद था कि लगातार कई जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक आदमी को अपनी रिपोर्ट दे जो प्रधानमंत्री मोदी को ब्रीफ करता रहे। एडवाइज़र के तौर पर आप शब्द को समझ ही गए हों कि दरअसल ये प्रधानमंत्री के एडवाइज़र होते हैं नेशनल सिक्योरिटी इशूज़ को लेकर। कई एजेंसीज हैं जैसे रॉ, IB, NTRO, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये अपने अपने प्लेटफॉर्म पर या अपने एरियाज के अंदर काम करती रहती है और इनका मकसद होता है इंटेलिजेंस गैदरिंग करना या फिर ये देखना कि क्या हार्म है या क्या बड़ा थ्रेट है जो भारत की सीमाओं में घुस सकता है या फिर भारत की सुरक्षा को एक बड़ा थ्रेट बना सकता है। NSA की पहली पोस्ट पर थे ब्रजेश मिश्रा जी, उसके बाद करीबन चार या पाँचवें अभी जो NSA हैं वो हैं अजीत डोवाल। अजीत डोवाल को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कई एजेंसीज में काम करने का, वो केरला कैडर के IPS ऑफिसर हैं लेकिन रॉ में या दूसरे बड़े ऑपरेशंस में बहुत बड़े काम कर चुके हैं या फिर एक महत्वपूर्ण योगदान दे चुके हैं। कांधार हाईजैकिंग के दौरान भी उन्होंने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को लीड किया था। दरअसल इस समय NSA को लेकर कहा जाता है कि अभी NSA का जो टर्म है या फिर आप उनकी जो सबसे लंबा जो आप टेन्योर है वो अजीत डोवाल के पास ही है। उन्होंने कई बार कई बड़े इनपुट से कई बड़े ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हों या फिर कई बड़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को लेकर उनके लगातार मिलते इनपुट या फिर उनके उनके एडवाइस के बाद ही कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। भारत में NSA के गठन को लेकर या फिर उसके उसके नए फॉर्मेशन को लेकर बहुत बड़ी स्टडीज भी की गई और देखा गया कि कैसे आप दूसरे यानी अमेरिका हो या दूसरी कंट्रीज को देखकर हम अपने सुरक्षा कवच को या फिर अपने एडवाइजरी या फिर सिक्योरिटी ग्रुप्स को कमिटीज़ को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। NSA इस समय ना सिर्फ हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज़ को बल्कि एक्सटर्नल सिक्योरिटीज़ को भी लेकर लगातार एक पॉइंट पर्सन के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि NSA की पोजीशंस इस समय नेशनल सिक्योरिटी को लेकर या एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रधानमंत्री को लगातार वो कई इनपुट देते रहते हैं जिससे हमारे हमारे देश में कोई बड़ा थ्रेट परसेप्शन क्रिएट ना हो सके, ना सिर्फ इंटरनली बल्कि एक्सटर्नली भी। NSA को करीबन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के तौर पर एफिलिएशन है या फिर उनकी उनकी जो पोजीशन है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की है और उनके सारे पर्क्स और सारी चीज़ें एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की पर्क्स और अलाउंसेस के ऊपर ही सिमिलर है। TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही, और ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म।